तो यार वेलकम बैक टू रेसल रिपोर्टर। मैं हूं आपका रिपोर्टर प्रिंस सुराज। की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जैसे कि WWE ने हेल इन अ सेल एवोल्यूशन और सुपर शोडाउन जैसे पेपर व्यूज के लिए कुछ बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। द शील्ड का मैच भी अनाउंस हो चुका है और इसी के साथ साथ हम आज की इस वीडियो में स्मैकडाउन लाइव के रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जल्दी से स्मैकडाउन लाइव के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्मैकडाउन लाइव की शुरुआत होती है द मिज और मरीज के साथ, जहाँ पर द मिज एक बार फिर से डैनियल ब्रायन की इंसल्ट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर डैनियल ब्रायन का साथ देने के लिए उनकी वाइफ ब्री बेला यहाँ पर आती है और ब्री बेला यहाँ पर आकर द मिज की काफ़ी बुरी तरह से धुलाई कर देती हैं, जिसके बाद हमें यह पता चलता है कि हेल इन अ सेल में हमें इन दोनों टीम्स का मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर डैनियल ब्रायन और ब्री बेला की टीम सामना करेगी द मिज और मरीज के टीम का। इसके बाद हमें जेफ हार्डी और रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिलता है, जहां पर रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से जेफ हार्डी के कान को खींचने लगते हैं, जिसके बाद जेफ हार्डी को भी गुस्सा आता है और जेफ हार्डी रैंडी ऑर्टन को एक लो ब्लो लगा देते हैं। इसके बाद जेफ हार्डी रैंडी ऑर्टन की काफ़ी बुरी तरह से धुलाई करते हैं, वो फैंस के बीच में भी जाके रैंडी ऑर्टन को काफ़ी बुरी तरह से धोते हैं और लास्ट में जेफ हार्डी रैंडी ऑर्टन को स्वांटॉम बॉम्ब भी लगाते हैं। इसके बाद हमें नाओमी और पेटेन रॉयस का भी मैच देखने को मिलता है, जहां पर नाओमी की हार हो जाती है। आई होप कि डेव मेल्जर ने ये मैच होगा। खैर इसके बाद हमें यहाँ पर बेकी लिंच का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर वो इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि उनका हील टर्न क्यों हुआ और पता नहीं क्यों पर यहाँ पर WWE में कोई भी सुपरस्टार हील टर्न लेता है तो वो फैंस को क्यों दोषी बोलता है। यहाँ पर भी बेकी लिंच ने वही काम किया, जहाँ पर बेकी लिंच ने फैंस को दोषी बताया, कहा कि फैंस मेरा साथ देते ही नहीं है इसलिए मुझे हील टर्न लेना पड़ा। खैर इसके बाद यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर की भी एंट्री होती है, जिसके बाद इन दोनों की काफी बुरी तरह से फाइट होने लगती है और यहाँ पर पूरी लॉकर रूम की फीमेल स्टार्स इन दोनों को रोकने के लिए आ जाती हैं। खैर इसके बाद यहाँ पर समर स्लैम का रीमैच हमें देखने को मिला, मतलब कि एंड्राडे सियान अल्मस और जेलिना वेगा का मैच एक बार फिर से हुआ रूसेव और लाना के साथ, और आई थिंक यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ जबकि यहाँ पर एडन इंग्लिश की इंटरफेरेंस देखने को मिली और इस वजह से यहाँ पर रूसेव और लाना की जीत हो गई। इसके बाद हमें एज स्टाइल्स का इंटरव्यू भी देखने को मिलता है, जहाँ पर इंटरव्यू के बीच में ही समोआ जो आकर एज स्टाइल्स पर अटैक करने लगते हैं और एक बार फिर से समोआ जो एज स्टाइल्स के खिलाफ पर्सनल जाते हुए दिखाई देते हैं। और इन सभी चीजों के बाद फाइनली आता है आज का मेन इवेंट, जो कि होता है द न्यू डे और बेल्जियन ब्रदर्स के बीच। सच में पूरी स्मैकडाउन लाइव कमाल की थी और ये मैच भी कमाल का था। और इस मैच के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर द न्यू डे ने द बेल्जियन ब्रदर्स को हरा दिया और वो बन गई न्यू स्मैकडाउन लाइव टैग टीम चैंपियंस। स्मैकडाउन लाइव तो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर बात करें WWE के आने वाले ऑल वुमेन्स PPV एवोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर WWE ने एवोल्यूशन के लिए एक बहुत ही बड़ा मैच कंफर्म कर दिया है, जहाँ पर एलेक्सा ब्लिस का सामना होगा ट्रिश स्ट्रेटस के साथ और ये मैच काफी बड़ा है सच में। इसी के साथ साथ WWE ने यहाँ पर सुपर शोडाउन के लिए भी कुछ मैचेस कंफर्म कर दिए हैं, जहाँ पर सबसे पहला मैच है डैनियल ब्रायन वर्सेस द मिज का मैच। इसके बाद WWE ने यहाँ पर एक टैग टीम मैच भी कंफर्म कर दिया, जहाँ पर जॉन सीना और बॉबी लैशले की टीम सामना करेगी केविन ओवेंस और एलायस का। और इसके अलावा यहाँ पर WWE ने ये भी कंफर्म कर दिया कि हमें सुपर शोडाउन के पेपरव्यू में द शील्ड भी एक्शन में दिखाई देगी, यानी कि शील्ड का मैच भी सुपर शोडाउन के लिए कंफर्म हो चुका है। हालांकि अभी ये नहीं पता है कि शील्ड का अपोनेंट कौन होगा, लेकिन हमें शील्ड एक्शन में जरूर देखने को मिलेगी। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है सुपर शोडाउन में द शील्ड का अपोनेंट कौन होगा, और इसी के साथ साथ स्मैकडाउन लाइव आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में।